विधायक नमन विकसल कोंगारी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने के बजाय बीजेपी के राज्य में आदिवासी सुरक्षित ही नहीं है, सबको अब एकजुट होने की जरूरत है। आदिवासियों के पास उनकी योजनाओं का लाभ तक अब तक नहीं पहुंचा है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन सब बचाने का काम आदिवासियों ने ही किया, लेकिन आज उनके जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने यह एक विषम परिस्थिति है। पहले रखा लेकिन इन्हें मजबूर कर दिया जंगल में रहने को लेकर, और जिस परिस्थितियों में जंगली जीव जंतुओं से, खूंखार जानवरों से लड़कर इन्होंने इस जंगल पठारी में रहने के लिए विवश हुए, आज यह भूभाग देश का सबसे कीमती भूभाग बन गया है। सभी प्रकार की खनिज संपदाएं, आभूषणें यहाँ पर हैं, आजीविका के अपार संसाधन हैं यहाँ और जगह के बनिस्पत, और प्राकृतिक आपदाओं से दूर यह क्षेत्र रहा है, और यही वजह है कि आज आदिवासी समुदाय पर लोगों की गीत दृष्टि बढ़ा हुआ है। हर कोई इस क्षेत्र में रहना चाहता है, लेकिन CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून की वजह से यहाँ लोग नहीं रह पा रहे हैं, और यही वजह है कि आज सीधे रूप से आदिवासियों के इस भूभाग को नहीं कब्जा कर पा रहे हैं और कई साजिश षड्यंत्र लोग रच रहे हैं। लोगों को आदिवासी बनाया जा रहा है, अहर्ता पूरी नहीं होने के बावजूद भी, चूँकि आदिवासी बनाकर यहाँ के भूभाग को कब्जा किया जाए, इनके आजीविका के संसाधनों को कब्जा किया जाए, इस सुंदर प्राकृतिक आपदाओं से दूर इस धरती पर को कब्जा किया जाए, इसके लिए इन्होंने कुछ लोगों को जो आदिवासी का अहर्ता पूरा नहीं करते, उनको भी आदिवासी बनाकर यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास किया है। उसी रीति से आदिवासी महिलाओं को, हमारे कस्टमरी लोग के खिलाफ, हमारे जमीन को महिलाओं के रास्ते से CNT एक्ट और SPT एक्ट कानून के रहने के बावजूद भी आदिवासियों के हिंदू दुर्धिकार कानून का लाभ देकर, उसके दायरे में लाकर हमारे यहाँ के जमीन को कब्जा करने का साजिश रचा जा रहा है। उसी रीति से डिलिस्टिंग ईसाइयों को, जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, ऐसे तो मैं बता देना चाहूँगा, झारखंड में आदिवासी कई धर्मों को मानते हैं, कुछ आदिवासी शरणा धर्म को मानते हैं, कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ बौद्ध और जैन। ये पिछला 2011 का जनगणना का आंकड़ा से मैं बता रहा हूँ। आज डिलिस्टिंग के नाम पर ईसाई आदिवासियों को आदिवासी सूची से बाहर करने का साजिश रचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि CNT SPT एक्ट कानून से इन्हें बाहर कर दिया जाए और इनके जमीन को हड़प लिया जाए, एकदम ये सब साजिश के तहत हो रहा है। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।